हे दी पोकेमोन ट्रेनर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पोकेमोन गेमर हिंदी, जहाँ पर हम लोग पोकेमोन के इंटरेस्टिंग गेम्स खेलते हैं। एंड गाइस, पोकेमोन प्लैटिनम के पिछले एपिसोड के अंदर हम लोग ने पकड़ लिया था लेजेंडरी पोकेमोन क्रिसेलिया को, और भाई उसको पकड़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी हम लोग के लिए। भाई मतलब वो एक रोमिंग पोकेमोन था, यहाँ वहाँ भटक रहा था भाई, और उसको ढूंढते ढूंढते बहुत टाइम लग गया था, बट ऐसे तैसे करके मैंने उसको पकड़ लिया था। सो या अगर आपने पिछला एपिसोड देखा नहीं तो जाके देख लेना, ऊपर आई बटन पर आपको मैं लिंक दे दूंगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में तो ऑफकोर्स आपको भाई लिंक मिल ही जाएगा। सो भाई देखना भूलना मत, और अगर भाई पहले इस एपिसोड को ना पहले पूरा देख लो। इस एपिसोड के अंदर दो लेजेंडरी पोकेमोन को मैं पकड़ने वाला, और दोनों भी बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाले। सो भाई एपिसोड को पूरा एंड तक देखो, और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इस एपिसोड के अंदर मैं लेजेंडरी पोकेमोन डियाल्गा और लेजेंडरी पोकेमोन पालकिया को पकड़ूंगा। देखो गिराडिना को मैं पहले से ही पकड़ चुका हूँ, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ उसके दो पार्टनर बाकी है, डियाल्गा और पालकिया, तो उनको आज के एपिसोड के अंदर मैं पकड़ूंगा। सो भाई अब मेरे को पता चल गया आप लोग भाई पूरा एपिसोड देखोगे। तो एक मिनट पहले मैं अपना सेटअप कंप्लीट कर लेता हूँ यहाँ पे। ये जो है ना पोकेमोन्स का कहाँ, वही कहाँ है भाई वो, तो भाई मतलब पोकेडेक्स का जो ऐप है ना, हाँ ये वाला मेरे को एकदम जमता है मेरे स्क्रीन पे, इसके लिए मैं हमेशा इसको मतलब हमेशा मैं यही वाला रखता हूँ। तो देखो मैं आपको पहले बता देता हूँ, देखो डियाल्गा और पालकिया को पकड़ने के लिए ना हमें सबसे मेन काम जो करना है ना, वो मेन काम करना है हमें भाई, मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनो कान खोल के। सबसे पहले हमें ना सिनोलिक का चैंपियन बनना पड़ेगा, मतलब पोकेमोन लीग का। तो अभी इस प्लैटिनम के अंदर जो लीग है ना, उसका चैंपियन बनना पड़ेगा, और जैसे आप चैंपियन बन जाओगे तो आपको तुरंत फ्लाई करके चलना है, और कुछ काम नहीं करना है, बस आपको चैंपियन बनना है। चैंपियन बनने के बाद जैसे आप अपने घर पे टेलीपोर्ट हो गए, आप बाहर आके क्या बोलते हैं, फ्लाई करके चलो सेलेस्टिक टाउन के अंदर, जो कि यहाँ पे है, ये रहा सेलेस्टिक टाउन। और जैसे आप सेलेस्टिक टाउन के अंदर फ्लाई करके आ जाओगे, आपको चलना है, एक मिनट मैं भी पहुँचा नहीं, अब मैं पहुँचा हूँ। तो अभी ना आपको यहाँ पे चलना है जहाँ पे मैं चल रहा हूँ, यहाँ से चलना है आपको, और इस घर के अंदर आना है, ये जो बड़ा वाला घर है यहाँ पे आना है, और यहाँ पे ये ओल्ड वुमेन है, इनसे बात कर लेना है। अभी ये कुछ बोलेंगे तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना। वेल हेलो, यू लुक गुड, आई डिड सम रिसर्च ऑफ माई ओन सिंस दैट स्पॉट ऑफ ट्रबल लास्ट टाइम, माउंट कोरोनट्स एक्टिंग अप हैड मी वेरी कंसर्न टू, वेल दिस इज वॉट आई फाउंड इन द श्राइन्स, इट्स अ बुक एंड इट्स क्वाइट ओल्ड, लेट मी रीड अ बिट फॉर यू, द बियरर ऑफ द साइनी एडमेंट ऑफ सिमोन्स डियाल्गा टू द स्पियर पिलर, द गार्डियन पोकेमोन ऑफ टाइम विल आंसर द कॉल, द बियरर ऑफ द साइनी लस्टरस ऑफ सिमोन्स पालकिया टू द स्पियर पिलर, द पोकेमोन दैट ब्लाइंड्स द स्पेशल डायमेंशन विल आंसर द कॉल, इट सीम्स द पीपल ऑफ लॉन्ग अगो मेट अबाउट डियाल्गा एंड पालकिया द पोकेमोन ऑफ टाइम एंड स्पेस। तो देखो डियाल्गा और पालकिया को पकड़ने के लिए हमारे पास होना चाहिए लस्टरस और एक कौन सा एडामेंट रॉब, एक मिनट, अगर आप लोग डियाल्गा और पालकिया को पकड़ना चाहते हो तो आपके पास एडामेंट ऑब और लस्टरस ऑब होना जरूरी है। अगर आपके पास दोनों ऑब नहीं होंगे तो आप पोकेमोन मतलब लेजेंडरी पोकेमोन डियाल्गा और पालकिया को नहीं पकड़ पाओगे। सो अभी मैं आपको बता दूं, आपको देखो अभी हमें ना पहले लस्टरस ऑब और एडामेंट ऑब को ढूंढना पड़ेगा, ये दोनों ऑब को ढूंढने जब जैसे आप ये दोनों आपको ढूंढ लोगे वैसे आपको लेजेंडरी पोकेमोन्स मिल जाएंगे। तो अभी मैं आपको बताता हूँ और प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि आपको क्या करना है। तो अभी आपको फ्लाई करके चलना है हाथुम सिटी के अंदर, नहीं चलना है आपको यहाँ पे, चलना है क्या है ऑर्बक सिटी के अंदर, और थोड़ा फास्टली चलते इस बार। और जैसे आप लोग यहाँ पर आ जाओगे आपको ऊपर चलना है रूट 207 पे, और यहाँ पे बाइसाइकिल यूज़ करके यहाँ पे चढ़ के यहाँ पे केव है उसके अंदर चलना है भाई। और हाँ यहाँ पे जब आप आओगे ना तो ध्यान रखना थोड़ा रिपिल्स लेके आना, क्योंकि वाइल्ड पोकेमोन केव के अंदर कितने सारे आते हैं आप सभी को भाई अंदाज़ा तो होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है भाई मेरे को, आप सभी को पता ही होगा। कहाँ है भाई मेरा रिपिल, मैक्स रिपिल मेरे पास 19 है, बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा मीडियम में है भाई, इतना ज़्यादा भी नहीं है, 19 मतलब क्या है, कुछ नहीं है। वाइल्ड पोकेमोन एक बार आना स्टार्ट कर देते ना भाई पूरा दिमाग ख़राब कर देते, और टाइम की तो ऐसी वाट लगाते, ऐसी वाट लगाते कि भाई 10 मिनट का काम 50 मिनट में होता है। सो एक काम करता हूँ मैं फटाफट फास्ट फॉरवर्ड में इस केव को क्रॉस करता हूँ ना, आप लोग को भी बोर होएगा और मेरे को भी बोर हो रहा है भाई। यहाँ से हमें चलना है, इस बाउल्डर को लात मार के यहाँ से हटाना है, तो लात मार के हटाते इसको यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से ऊपर हमें चलना है, और यहाँ से फिर नीचे चलना है, यहाँ पर ऊपर नीचे करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो चलेंगे यहाँ पे थोड़ा सही सलामत भाई, वरना कहीं स्पीड में रहूँगा ना तो भाई कूद जाऊँगा बैरिकेड को, तो वापस आना पड़ेगा घूम के। और यहाँ पे फिर सीधा चलना है ऊपर हमें, ओके काफ़ी हद तक सही जा रहे हैं हम, काफ़ी हद तक के भाई सही जा रहे हैं। रिपिल का इफेक्ट ख़त्म, एक और यूज़ करेंगे, 17 और बची अभी,
और यहाँ पे हमें करना है रॉक क्लाइम यूज, और उसके बाद इस केव के अंदर चलना है। फिर यहाँ पे हमें करना है एक वाटरफॉल यूज, ओके। फिर हमें चलना है ऊपर, ओके गाइस ऊपर चलते हैं। यहाँ पे केव है, यहाँ पे देखो एक स्टोन प्लेट मिलेगा इस पत्थर के ऊपर, तो यहाँ पे आके ए बटन दबाना भूलना मत। देर इज अ टेक्स्ट एनग्रेव्ड इन द बैक ऑफ द ऑप्टेन प्लेट, टू मेक मैटर एंड थ्री मेक स्पिरिट सेविंग द वर्ल्ड, रियो पुट द स्टोन इन द आइटम्स। तो यहाँ पे देखो एक ऑब है, एडमेंट ऑब मिला मेरे को यहाँ से, और अभी इसके बाजू में एक और ऑब है जो कि लस्टरस ऑब। तो देखो अभी लस्टरस और एडमेंट ऑब हमें मिल चुके हैं, अब हम लेजेंडरी पोकेमोन डियाल्गा और पालकिया को पकड़ सकते हैं। सो अभी बताता हूँ वो लोग की लोकेशन क्या है। अभी भाई वीडियो देखते रहो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा एकदम, मतलब ए टू जेड पूरा एकदम, मतलब मैं आपको सब कुछ बताता हूँ कि आपको कैसे क्या करना है। सो गाइस इसी बात पे ना, अभी देखो वहाँ से जैसे आप आओगे ना सीधा सीधा आके यहाँ चलो, तभी मैं कुछ बोल रहा था। हाँ मैं बोल रहा था भाई, मैं इतना सब कुछ आपको इतना मतलब ढंग से समझाता हूँ, एकदम प्रैक्टिकली करके भी दिखाता हूँ, और सब एक एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ भाई। तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, इतने अच्छे से मैं समझाता हूँ भाई। मतलब मैं खुद भी वीडियो अगर देखता हूँ ना, तो मेरे को लगता है भाई मेरे को ना टीचर बनना चाहिए, सही बोलूँ तो, क्योंकि ना मतलब मैं थोड़े बहुत टीचर वाले हरकत कर देता हूँ। ओके यहाँ पे नहीं, यहाँ पे चलना है हमें। सो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, इतने अच्छे से समझा रहा हूँ आपको, इतना अच्छा सब कुछ करके दिखा रहा, तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो। वैसे लाइक करना फ्री है, आपको उसके लिए कोई मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा, बस अपनी उंगली को लाइक के बटन के ऊपर रखना पड़ेगा, सिर्फ टच करके एक बार हटा लेना है, तो इतना काम आप कर सकते हो। और हाँ, अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने में और भी मज़ा आता है और देखना पसंद करते, फ्यूचर में भी देखना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर दिया करो। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से, और मुझे उम्मीद है कि आप में से ज़्यादातर लोग इस रिक्वेस्ट को पूरा करेंगे, तो थैंक यू आप सभी का अगर आप इस रिक्वेस्ट को पूरा करते हो, और नहीं करते हो तो कोई बात ही नहीं है भाई। तो अभी यहाँ पे ध्यान दो, अभी देखो ये ब्लू कलर का है ना, इसके पास आओ, चिपक जाओ इससे और ए बटन दबाओ, फिर जो लिख के आएगा अगर आपको पढ़ना होगा तो पढ़ना, वरना स्किप कर देना, बट मैं तो यहाँ पे पढ़ने वाला हूँ। ऑन द अदर साइड ऑफ द रिफ्ट इन अ फैंटास्टिकली बिजर प्लेस इट्स डियाल्गा, होल यू चैलेंज डियाल्गा। हाँ भाई मैं उसको चैलेंज करता हूँ, और डियाल्गा को पकड़ने के लिए मेरे पास मास्टर बॉल पहले से तैयार है। और हाँ गाइस मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अगर आपके पास मास्टर बॉल नहीं है, और अगर आपको बहुत सारी मतलब अनलिमिटेड मास्टर बॉल चाहिए, तो आपको मेरे चैनल पे चीट कोड वाली वीडियो मिल जाएगी, तो आप वीडियो देख के अनलिमिटेड मास्टर बॉल ले लेना, उसके बाद आपको लेजेंडरी पोकेमोन को पकड़ने में थोड़ी भी दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि गाइड करने के लिए मैं हूँ, और जो लेजेंडरी पोकेमोन को मैं गाइड करूँगा आप लोग मतलब उनको पकड़ पाओगे आराम से। अब अगर आपके पास मास्टर बॉल रहेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम पकड़ने में ही आता है। लोकेशन तो मैं आपको सब बता दूंगा, तो जो भी मेरे को मिलते हैं मैं सारे के सारे लेजेंडरीज के लोकेशन आपको बता दूंगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर आपको किसी और लेजेंडरी पोकेमोन का लोकेशन पता है ना, तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करके मेरे को बताओ। वैसे भी मैं वो सब मतलब अपनी मतलब आप जैसे मेरे और भी जो भाई बहन हैं उनको बताने वाला हूँ। सो मतलब अगर आप मेरे को बताओगे और मैं यहाँ पर वीडियो बना के अपलोड करूँगा, तो उससे मतलब बहुत लोग की हेल्प हो जाएगी। तो प्लीज़ थोड़ा रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, अगर आपको मालूम है तो कमेंट करके बताओ। अभी जैसे आप डियाल्गा से मतलब जैसे आप डियाल्गा को पकड़ लोगे या फिर उसको हरा दोगे, तो आपको वापस चलना है यहाँ पे, रिफिल का इफेक्ट ख़त्म तो भी कोई दिक्कत नहीं, अब वापस चलना है, वापस मतलब आना एक बार केव के अंदर, फिर वापस बाहर आके चलना है। फिर यहाँ पे भी देखोगे ये वाला आ जाएगा, तो इससे भी भाई चिपक जाओ और ए बटन दबा लो। फिर यहाँ पे भी कुछ लिख के आएगा, ऑन द अदर साइड ऑफ द रिफ्ट इट्स अ फैंटास्टिकली ब्रीजर प्लेस इट्स पालकिया, होली चैलेंज पालकिया, तो हमें चैलेंज कर देना है भाई, और इस बार हम पकड़ने वाले पालकिया को। ओके जल्दी जल्दी, टाइम वेस्ट ना करो तो अच्छी बात है ना। तो अभी यहाँ पे पालकिया आ चुका है, तो अभी इसके ऊपर भी मैं मास्टर बॉल फेंक के इसको पकड़ लेता हूँ। मेरे को लेजेंडरीज को पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली भाई, मेरे पास मास्टर बॉल है, और मास्टर बॉल से कोई पोकेमोन बच नहीं सकता है, चाहे वो गॉड आरसीएस हो, चाहे वो मेगा रिक्यूज हो, चाहे वो मेगा म्यूटू एक्स हो, या फिर वाई हो, चाहे वो पालकिया ही क्यों ना हो, कोई दिक्कत नहीं है मास्टर बॉल से पकड़ने में। और ये सब बातें आपको पता ही है भाई, आप लोग मेरे से भी ज़्यादा स्मार्ट हो, और आपको मेरे से भी ज़्यादा नॉलेज है पोकेमोन के ऊपर, तो आप लोग को भाई एब्सोल्युटली ये सब पहले से पता होगा। वेल मैंने दो दो लेजेंडरी पोकेमोन को आज के एपिसोड के अंदर पकड़ लिया है, तो अभी आप लोग भाई इसी बात पर लाइक ठोक दो, वीडियो को लाइक ठोक दो, इतना लाइक ठोको, इतना लाइक ठोको कि मेरे को देख के अच्छा लगे। ओके अभी देखो यहाँ पे हमने पकड़ लिया, और अब हम वापस आएंगे तो वो जो रोशनी थी, जो मतलब जो पोकेमोन से लेजेंडरी चले गए, और अब हमारा यहाँ पे काम हो गया, हमने दोनों लेजेंडरी पोकेमोन को पकड़ लिया, और अब हमें चलना है वापस। तो पहले एक रिपील कर लेते यूज़। वैसे गाइस वापस जाने के लिए आप लोग तो चले जाओगे, आपको रास्ता पता ही होगा, तो
तुम्हें वापस जाके आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते तो वीडियो को यहीं पे एंड अप करती है। बट हाँ गाइस, जाने से पहले वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। आप लोग से मैं डेली रिक्वेस्ट करता हूँ बट आप लोग रिक्वेस्ट को पूरा नहीं करते हो। भाई क्या कर रहे हो यार, रिक्वेस्ट पूरा कर दिया करो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर दो। वेल गाइस, आज के लिए इतना ही, और अगर आपको कोई और लेजेंडरी पोकेमॉन का लोकेशन पता है और कैसे पकड़ते वो पता है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के सबको बता दूंगा। मतलब आप मेरे को हेल्प करो, मैं सबकी हेल्प करूंगा। सो भाई, एक बंदे से सबकी मतलब बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जाएगी। सो अगर आपको हेल्प करने में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो प्लीज़ हेल्प कर दो, मैं सबकी हेल्प कर दूंगा। सो द गाइस, रिक्वेस्ट है आप सभी से, भाई पता है तो प्लीज़ कमेंट करो, वरना फिर कोई बात ही नहीं है। बट हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे एक और एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय आप सभी को।